एवरीवन, आई एम मोनामी एंड वेलकम बैक। पूजा थाली लेने का बहुत दिनों से प्लान था, अभी फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं, सो फाइनली ये पूजा थाली मैंने ऑर्डर किया। इस पैक में है आरती प्लेट, दिया, बेल, धूप अगरबत्ती होल्डर, स्पून एंड कलश। ये पूजा थाली मेरे पूजा रूम के लिए परफेक्ट एडिशन है। इससे स्टिकर इजीली रिमूव करने के लिए 2-3 सेकेंड के लिए लो फ्लेम में रखना है। 2-3 सेकेंड के बाद गैस ऑफ कर दिया है एंड अभी इजीली ये स्टिकर रिमूव कर सकते हैं। ये पूजा थाली को क्लीन करने के लिए मैं ले रही हूँ 1 स्पून बेकिंग सोडा एंड 1 स्पून लेमन जूस। ये स्क्रबर का स्पॉन साइड से ही क्लीन करना है, दूसरे साइड से क्लीन करने से रसेस आएंगे। पूजा थाली तो न्यू ही है, बट ऐसे इसलिए क्लीन कर रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा येल्लोइश कलर का है। ऐसे क्लीन करने से अच्छे से ये येल्लोइश कलर चला जाएगा। मैं घर के ब्रश मटेरियल बाकी चीज़ों को भी लेमन एंड बेकिंग सोडा मिक्स करके ही क्लीन करती हूँ, इससे अच्छे से क्लीन हो जाता है। पीतांबरी पाउडर से भी क्लीन कर सकते हैं। अच्छे से वॉश करने के बाद क्लॉथ से इसको वाइप कर रही हूँ। पूजा थाली के साथ 1 स्मॉल साइज का ऑयल डिस्पेंसर एंड एक लाइटर भी ऑर्डर किया था। ये ऑयल डिस्पेंसर 250 ml का है एंड ये स्टील का है। पूजा एरिया ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने ये एक ट्रे लिया है और एक ग्लास बॉटल में दिया विक्स रखा है। और ये अगरबत्ती एक बॉक्स में रखा है, साइड में लाइटर। एंड ये छोटू सा ऑयल डिस्पेंसर ट्रे में ही रखा है। सो ये हो गया सिंपल सा पूजा एरिया ऑर्गेनाइजेशन। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी व्रत की थाली। साबूदाना खिचड़ी मुझे व्रत में खाना बहुत पसंद है। सो खिचड़ी के लिए ये 1/2 कप मीडियम साइज का साबूदाना 2-3 टाइम्स अच्छे से वॉश कर लिया है। 1/2 कप वॉश किया हुआ साबूदाना में अभी मैं 3/4 कप वाटर ऐड कर रही हूँ। फोर आवर्स के बाद साबूदाना सॉफ्ट हो गया है एंड अभी खिचड़ी बनाने के लिए कढ़ाई में लिया है 1 स्पून घी, जीरा 1 स्पून, ग्रीन चिली पीसेस 1 स्पून, थोड़ा सा करी लीव्स एंड रोस्टेड पीनट्स। साबूदाना और काली मिर्च ऐड करने के बाद अच्छे से सबको मिक्स कर लेना है। अभी ऐड कर रही हूँ 4 स्पून पीनट्स पाउडर एंड सॉल्ट। अभी साबूदाना को ऐसे ही 2 मिनट्स के लिए कुक कर लेना है। साबूदाना थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होने के बाद इसको 2 मिनट्स के लिए अभी कवर करके लो फ्लेम पे रखना है। पीनट पाउडर साबूदाना के मॉइस्चर को सोक करता है और तब साबूदाना खिला खिला बनता है। साबूदाना के कलर ट्रांसपेरेंट हो गया है, मींस साबूदाना अच्छे से कुक हो गया है। अभी थोड़ा सा कोरिएंडर लीफ ऐड कर रही हूँ। फ्लेम ऑफ कर दिया है एंड लास्ट में थोड़ा सा लेमन जूस ऐड कर दिया है और अच्छे से सबको मिक्स कर लिया है। एंड ये नॉन स्टिकी मींस खिला खिला साबूदाना खिचड़ी रेडी।
ब्रेड वाले आलू की सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई पे ऐड किया है 1 स्पून घी। घी गरम होने के बाद ऐड कर रही हूँ 1 स्पून जीरा, 1 स्पून जिंजर, 1 स्पून ग्रीन चिली और बॉईल किया हुआ 2 मीडियम साइज का पोटैटोस काट करके ऐड कर रही हूँ। अभी ऐड किया है क्रस्ट किया हुआ काली मिर्च। सॉल्ट 2-3 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेना है। ये रेसिपी बहुत जल्दी रेडी हो जाता है। लास्ट में थोड़ा सा कोरिएंडर ऐड किया है एंड हो गया ब्रेड वाली आलू की सब्जी रेडी। क्यूकम्बर रायता के लिए ये क्यूकम्बर मैंने कट कर लिया है। क्यूकम्बर को ऐसे रैप कर लेना है। ऐसे करने से इसका जो कड़वा टेस्ट रहता है वो चला जाता है। अभी इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद इसको अच्छे से ग्रेट कर लेना है। इसको मैंने पील नहीं किया है, मुझे ऐसे ही स्किन के साथ ही रायता में ज़्यादा पसंद आता है। अभी लिया है 2 टेबल स्पून कर्ड, थोड़ा सॉल्ट, जीरा पाउडर एंड कोरिएंडर लीव्स। अभी अच्छे से सबको व्हिस्क कर लेना है। और ये रायता रेडी। ग्रीन चटनी के लिए लिया है कोरिएंडर 1 कप, 1/2 कप फ्रेश कोकोनट, 1 ग्रीन चिली, थोड़ा जिंजर, सॉल्ट और 1/2 लेमन जूस एंड पानी 3/4 स्पून्स। ग्राइंड करने के बाद देखिए ये ग्रीन चटनी कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और ये ग्रीन चटनी रेडी। अभी बनाते हैं मखाना खीर। ये घी गरम होने के बाद ऐड किया है 2 कप्स मखाना। मखाना को मीडियम फ्लेम में क्रिस्पी होने तक रोस्ट कर लेना है। अभी 1/2 कप मखाना ग्राइंड करके पाउडर कर लिया है। घी में पहले केशव नट रोस्ट कर लूंगी। नट्स गोल्डन एंड ब्राउन होने के बाद किशमिश ऐड कर लिया है। अभी रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स को अलग से रख दूंगी। अभी कढ़ाई में ऐड किया है 1/2 लीटर मिल्क। मिल्क अच्छे से बॉईल होने के बाद मखाना ऐड कर रही हूँ। आज मैं ये खीर में शुगर ऐड नहीं करूँगी, इसमें मैं जैगरी यानी गुड़ ऐड करूँगी। अभी लो फ्लेम में 5 मिनट्स तक कुक करना है और 5 मिनट्स के बाद मिल्क ठीक हो गया है। और अभी देखिए ये खीर कितना अच्छा लग रहा है देखने में। ये मखाना खीर ठंडा होने के बाद इसमें मैं 2 स्पून्स जैगरी ऐड कर रही हूँ। और ये मखाना खीर रेडी। ब्रेड स्पेशल पराठा के लिए मैंने लिया है 1.5 कप सिंघाड़े के आटा, 1/2 स्पून जीरा, 1/2 स्पून सॉल्ट, थोड़ा ग्रीन चिली, जिंजर एंड धनिया और क्रस्ट किया हुआ काली मिर्च। वन बॉइल आलू लिया है। अच्छे से अभी सबको मिक्स करके
थोड़ा थोड़ा पानी देके डो रेडी कर लूंगी। अभी थोड़ा सा घी अप्लाई करके डो को 10 मिनट्स के लिए सेट होने के लिए रखूंगी। ये पराठा इजीली बनाने के लिए मैं ये टिप फॉलो करती हूँ। बटर पेपर में पराठे के लिए थोड़ा सा डो रखकर उसके ऊपर थोड़ा सा घी अप्लाई करके उसके बाद रोल करती हूँ। अभी हॉट तवा पे बटर पेपर के साथ ही पराठा का नीचे के साइड को कुक कर लूंगी। बहुत इजीली ये टिप फॉलो करके ये पराठा कुक कर सकते हैं। ये टिप आप लोगों को कैसा लगा मुझे जरूर बताना। दोनों साइड को अच्छे से मीडियम फ्लेम में कुक करने के बाद दोनों साइड में घी अप्लाई कर लेना है और ये हो गया ब्रेड वाली पराठा रेडी। और ये है आज का ब्रेड स्पेशल थाली। थाली में है पराठा, आलू की सब्जी, मखाना खीर, रायता, चटनी एंड साबूदाना खिचड़ी। आप लोग ब्रेड वाली थाली के लिए इस बार क्या क्या बना रहे हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को क्लिक करना न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। आज के लिए बाय बाय एंड सी यू।